Education साथी. Press the bell icon to get notification. All notification पर click करें ताकि आपको सारे notification मिल जाएं. अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा. Oh my lovely and dear student, how are you? I hope you are very well, student. Today we will take new chapter Fire Friend and Four. सबसे पहले मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर लेंगे स्टूडेंट आपको क्या करना है कि अपना नेम चैट बॉक्स यूज करके इसमें राइट करना है ओके और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको आप एक या दो बार अच्छे से सुन लीजिएगा और देन उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा ओके माय डियर स्टूडेंट तो चलिए हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेते हैं अर्ली मैन डिड नॉट नो अबाउट फायर एंड येट ही मस्ट हैव सीन नेचुरल फायरस Like lightning and volcanoes, he must have felt frightened by them. It must also have puzzled him. आदि मानव early man का मीन्स क्या होता है आदि मानव किसके विषय में नहीं जानता था अग्नि के आग के विषय में नहीं जानता था फिर भी उसने आकाश की बिजली लाइटनिंग का मीन्स क्या होगा बिजली एंड वॉल्नज मीन्स ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक अग्नियाँ जरूर देखी होंगी है ना हम लोग भी देखते तो उन्होंने भी जरूर देखी होंगी उसे अवश्य ही उनसे डर लगा होगा किनसे जो लाइटनिंग है या वॉलकैनोज हैं एंड इट मस्ट ऑल्सो हिम और इससे उसे क्या होगा घबराहट भी हुई होगी टुडे ना टुडे वी नो दैट फायर इज अ केमिकल रिएक्शन परंतु आज हम जानते हैं कि जो आग है वो एक केमिकल रिएक्शन है ओके okay? थ्री थिंग्स आर नीडिड टू कॉज अ फायर एक आँख को जलाने के लिए हम तीन चीज़ों की जरूरत होती है वो कौन सी होती है दीज आर ऑक्सीजन अ फ्यूल कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन होता है कार्बन होता है एंड हाइड्रोजन एंड सम हीट कुछ गर्मी भी चाहिए होती है देन द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट और उसके बाद क्या होती है उसके बाद उससे एक शक्ति निकलती है और जो क्या होती है आग का कारण होती है दिस इज कॉल्ड फायर इसी को हम क्या कहते हैं फायर कहते हैं. अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स आपने भी देखा होगा कि आग कैसे कैसे हमें उपलब्ध होती है वुड है ना लकड़ी जो होती है उनको हम जलाते हैं तो उससे भी हमें फायर कोल होता है कुकिंग गैस है जो हमारे घरों में है पेट्रोल so, कॉजिज ऑफ सॉरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूज ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे फ्यूल के एंड द फ्यूल कॉजिस फायर इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जब क्या होती है ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा उसकी का उसकी उपस्थिति में हमारी क्या होगी आग पैदा होगी वैन इट इज हीटेड एवरी फ्यूल हैज़ अ पार्टिकुलर टेम्परेचर हर एक जो आग होती है या फ्यूल होता है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एट विच इट बर्न जिसमें वो क्या होता है जलता है दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल उस फ्यूल का हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है तो फ्लैश पॉइंट मीन्स कि एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बर्न ओके तो यही हमारा क्या है फ्लैश पॉइंट होता है इन मॉडर्न लाइफ वी यूज़ फायर इन मैनी वेज़ और आजकल की ज़िंदगी में जो हमारा अब लाइफ स्टाइल है उसमें हम बहुत तरीके से जो हमारा फायर है उसका यूज़ करते हैं इट कुक्स अवर फूड हमारा खाना बनाता है वार्म्स आपने देखा होगा कि हमारे घरों को हम आज जैसे अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम क्या करते हैं तब भी हम अपना हीटर वगैरह जलाते हैं वाम्स अवर होम्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है, है ना तो हम हीटर का यूज़ करते हैं अब धीरे धीरे सब बच्चे हमारे घरों में हीटर का यूज़ करने लग जाएंगे तो ये बहुत ही अलग अलग टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं किसका फायर का हाउ एवर इट इज़ ओनली द कंट्रोल फायर विच सर्व्स एज वेल व्हेन द फायर गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल अगर फायर हमारे कंट्रोल से आउट हो गया तो क्या होगा ये बहुत ज़्यादा क्या होता है इट बिकम्स अ बैड मास्टर जितना ये अच्छा है जितना हमारे लिए हम बहुत सारे अपने काम आसानी से कर लेते हैं अपने रूम को भी गर्म कर लेते हैं खाना बना लेते हैं लेकिन अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है आप सब जानते हो जैसे हमारे घर में कुकिंग गैस है अगर हमने गैस को ऐसी लीक हो गई कुछ भी हो गया तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है और जो कितना ही डेंजरस होता है हम सब के लिए एवरी ईयर मैनी होम्स एंड शॉप्स आर बर्न बाय द फायर अभी जैसे आप दिवाली आने वाला हैं ना तो दिवाली में क्या होता है कभी पटाखों की दुकान में आग लगा आपने देखो दुकानें जल गई हैं राख हो गई है ना तो ये सब किसका कारण होता है अगर ज़रा से भी उसको क्या होता है कि अगर ज़रा से भी आग मिल जाए चिंगारी मिल जाए तो वो क्या हो जाती है पूरी जलाकर राख कर देती है तो हम उसके प्रति हमें क्या नहीं होना चाहिए लापरवाह नहीं होना चाहिए फायर डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड किल्स ह्यूमन बींग्स आपने अगर किसी ने जंगल में कोई जा रहा है और एक चिंगारी भी पड़ गई गर्मी के मौसम में तो क्या होता है सारा जल राख हो जाता है हमारे जंगल जल जाते हैं हमारे कितना नुकसान हो जाता है तो इसलिए हमें और ह्यूमन किल्स ह्यूमन बींग्स और हम किसी का अगर घर जल जाता है किसी की दुकान जलते है तो कुछ भी हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो जो आग होती है वो हमारे वन है उनको तो नष्ट करती है और इंसानों को भी क्या कर देती है मार देती है देयर आर थ्री वेज टू कंट्रोल और पुट आउट एंड अनकट्रोल फायर अब तीन तरीके हैं फायर को बुझाने के अगर वो अनकंट्रोल हो जाती है तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है वी नो दैट फायर नीड्स ऑक्सीजन फ्यूल अ सर्टिन टेम्परेचर और ये हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अग्नि को ऑक्सीजन ईंधन और विशेष एक टेम्परेचर की जरूरत होती है उसको जलने के लिए इफ़ वी कैन रिमूव और लेसन एनी ऑफ देम अगर हम इन चीज़ों को हटा दें वहाँ से तो क्या हो सकता है हम आग, आग को लगने से बचा सकते हैं द फायर कैन बी पुट आउट और कंट्रोल्ड मीन्स कि अगर वहाँ जहाँ पर आग है वहाँ से ऑक्सीजन को कम कर दें फ्यूल हटा दें अगर वहाँ पर कोई चीज़ लकड़ी पड़ी है कुछ भी पड़ा है उसको हटा दें कोई गैस है, है ना तो द फर्स्ट वे दियर फोर इज़ टू रिमूव द फ्यूल इज इफ पॉसिबल हाव एवर इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल लेकिन कभी कभी तो इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि हम उसको बुझा भी नहीं पाते हैं हाव एवर इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन केस वी मस्ट वी शुड ट्राई टू प्रजेंस ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फायर और कभी कभी हमने ये कहा है कि जो Uh, क्या होता है फ्यूल होता है उसे हटा दो वहाँ से लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उसकी उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि उस जहाँ पर आग जल रही है वहाँ से हमें ऑक्सीजन कम कर देना है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जलने में क्या होगी दी आग क्या होगी बुझ जाएगी दस स्मॉल फायरस आर पुट आउट विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सेट जो छोटी छोटी आग है उसको हम गीले कंबल डालकर या गीली जो बोरियाँ होती हैं उनको भिगो डाल देंगे तो वो भी क्या हो जाएंगी बुझ जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो पुट आउट ऑफ फायर और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर सकता है आग को बुझ जा सकता है इट इज़ सो बिकॉज इट डज़ नॉट लेट ऑक्सीजन डिज़ द बर्निंग मटेरियल और ये क्या ये क्यों होता है क्योंकि जो बर्निंग जो चीज़ जल रही है वहाँ पर ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आग क्या हो जाएगी बुझ जाएगी तो इसलिए हमें गीले कम्बल आपने देखा होगा कहीं पे आग लगता है या आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो कम्बल में लेट तो क्या होता है उससे उससे वो ऑक्सीजन कम हो जाती है और आग बुझ जाती है तो इसलिए ये किया जाता है तो सबसे अगर आपको क्या होता है कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या आपसे बुझाई नहीं जाता आप तो गीले कम्बल यूज़ कर सकते हो गीली बोरियाँ यूज़ कर सकते हो तो छोटी छोटी आग को ऐसे करके बुझाया जा सकता है और द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर टू रिमूव द हीट और तीसरा वे है कि अगर वहाँ पर कोई गर्मी है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे ब्लास्ट हो सकता है उसको भी क्या कर दे वहाँ से हटा दे ब्रिंग द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट आपको बोला कि एक आग को जलाने के लिए उसका फ्लैश पॉइंट पर ले जाना जरूरी है तो उसको फ्लैश पॉइंट से अगर हम नीचे कर देंगे जहाँ पर वो जल जल रहा है उस फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आएंगे तो आग क्या हो जाएगी बुझ जाएगी दिस इज़ ऑफन डन बाय द स्प्रेडिंग वाटर और कभी कभी हम क्या करते हैं पानी जलती हुई आग में हम पानी फेंक देते हैं तो वो आग क्या हो जाती है बुझ जाती है लेकिन बट इन केस ऑफ फायर्स कॉज बाई ऑयल लेकिन अगर वो ऑयल से पेट्रोल वगैरह से लगी है या इलेक्ट्रिसिटी से तो उस कंडीशन में हमें उसमें पानी नहीं डालना चाहिए क्यों अगर किसी तेल व किसी ऑयल से आग लगी है और उसमें पानी डालेंगे तो जितना फैलेगी आग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी में तो कभी भी पानी नहीं डाल है ना तो वो बड़ा डेंजरस हो सकता है तो उस कंडीशन में आप वाटर का यूज नहीं करेंगे वैन वी ब्लो अ बर्निंग कैंडल इट गोज आउट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर बाई लोवरिंग द टेम्परेचर बिलो द फ्यूल्स पॉइंट फ्यूल्स फ्लैश पॉइंट आवर ब्लोइंग थिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम वैन इट इज बिलो द कैंडल्स फ्लैश पॉइंट द कैंडल गोज आउट जलती ही जो कैंडल होती है वो फूक मारने से बुझ जाती है यह ताप जो हमारा तापक्रम है उसको फ्लैश पॉइंट से कम करके और आग को बुझाने का एक उदाहरण है एक एग्जाम्पल है हमारी फूक मारने से जो अग्नि होती है चारों ओर की हवा का तापम क्या हो जाता है कम हो जाता है और जब यह जो कैंडल होती है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाती है और क्या हो जाती है बुझ जाती है Spreading water is not a good way of putting out an oil or an electrical fire. If we spray water on it, oil fire, it goes on burning. It is so because oil flows to the top of a water and continues burning. The flowing water and oil only spread the fire. तेल या बिजली से पैदा हुई आग के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो क्या होता है आग को बुझाने का ये अच्छा तरीका नहीं है क्यों नहीं है तेल से लगी आग पर जब हम पानी डालते हैं तो वो क्या होती है वो जलती रहती है ऐसा ऐसे क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि पानी डालने से वो तेल क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है और आग क्या होती है बुझने की बजाय जहाँ जहाँ वो तेल फैलता जाएगा वो आग लगती जाएगी और आग भी फैलती जाएगी वी शुड नॉट पोर वाटर ऑन एन इलेक्ट्रिकल फायर ऑल्सो और बिजली के उसमें भी हमें पानी नहीं डालना जब बिजली से आग लगती है इट डूइंग सो वी मे रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक एंड गेट किल्ड और हमें एक शॉक लग सकता है और जिससे हम मर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट थिंग टू फ्लाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर और कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा तरीका है इसको बुझाने का किसको इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने का टुडे वी कैन डू अ फ्यू थिंग्स टू प्रिवेंट फायर एट होम एंड इन द स्कूल वाइल कंस्ट्रक्टिंग अवर अ बिल्डिंग वी शुड लिव स्पेस बिटवीन दैम इट विल रिड्यूस द फायर रिस्क एवरी न्यू होम और स्कूल और एनी पब्लिक प्लेस मस्ट ऑब्ज़र्व फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स आज हम घर और स्कूल में आग लगने से रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं अपनी जो हमारी बिल्डिंग होती है बनाते समय हमें उनके बीच में जगह छोड़नी चाहिए क्यों छोड़नी चाहिए अगर हम स्कूल की बिल्डिंग बन रही है या हमारा घर बन रहा है या कोई भी पब्लिक प्लेस तो वहाँ पर जगह जरूर छोड़नी चाहिए इससे आग का खतरा कम हो सकेगा कैसे हो सकेगा कम हर नए घर या स्कूल या किसी भी सामाजिक पब्लिक प्लेस में क्या होना चाहिए अग्निरोधक नियमों का भी पालन करना चाहिए जैसे आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा वहाँ पर हमारे लगे हुए फायर को बुझाने के लिए है ना तो इस तरह से हमारे घरों में भी स्कूल्स में भी पब्लिक प्लेस में भी आग को बुझाने के लिए हमारे पर्याप्त साधन होने चाहिए और जो हमने ये थ्री स्टेप्स हैं इनको भी आप फॉलो करिए इनको भी आप ध्यान में रखिए तो स्टूडेंट ये एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का हो गया है अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं वन बाय वन कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन फर्स्ट मार्क द आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली मैन यहाँ पर मार्ट कीजिए मैन है वॉज फाइटन ऑफ किससे डरता था लाइटनिंग एंड वॉल कैनोज द डैमेज कॉज बाय देम या फायर तो राइट आंसर इज फायर नेक्स्ट फायर इज एनर्जी फायर इज हीट एंड लाइट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो राइट आंसर इज फायर इज द रिजल्ट ऑफ कैमिकल रिएक्शन यह आपका बी का आंसर है फ्रॉम द बॉक्सिस गिवन बिलो चूज द वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज दैट इज फायर अ कैमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज एंड ऑक्सीजन कम्बाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन तो जो इसका राइट right सिक्वेंस है वो है आपका फर्स्ट आपका फोर्थ वाला आएगा फिर उसके बाद सेकेंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ तो ये आपका राइट right ऑर्डर होगा वर्किंग विद द टेक्स्ट से आपके क्वेश्चन से वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल तो अभी आपको बताया था फ्लैश पॉइंट क्या होता है एवरी फ्यूल कैचिज एट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट में वो आग जलती है उसी को हम क्या कहते हैं फ्लैश पॉइंट कहते हैं एक फ्यूल का वाट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर कॉमन यूजेज क्या करते हैं हम फायर का तो इसका सोल्यूशन है फायर इज़ यूज इन कुकिंग टू कीप अवर होम वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड फायर इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तो ये यूज है इसका तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन है आपका इन वट सेंस इट इज़ अ बैड मास्टर ये भी आपको बताया था अभी इफ फायर गोज आउट ऑफ अ कंट्रोल अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो इट कैन कॉज डैमेज टू अवर लाइफ तो हमारे जीवन को नष्ट कर देगा अवर हाउस एंड प्रॉपर्टीज तो इट इज़ बैड मास्टर इन दिस सेंस तो इस सेंस में क्या हो जाएगा बैड मास्टर हो जाएगा अगर किसी की दुकान में आग लग गई है तो उसका तो सारा लाइफ ही ख़राब हो जाएगा है ना सारा चीज़ जल जाएगी या घर में लग गई है तो इसलिए इसको बैड मास्टर भी कहा गया है ये हमारे लिए लाइफ हमारे लिए खाना भी बनाता है लेकिन अगर इससे थोड़ी सी भी गलती हो गई मिस्टेक हो गई हमसे कुछ भी तो ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है तो ये इसका आंसर हो गया अब आप आपको क्या करना है कॉलम ए और बी मैचिंग करनी है इसमें फ्यूल ये सारी चीज़ें हैं तो ये भी आप देख लीजिएगा फ्यूल क्या होती हैं फ्यूल जैसे हो गया हमारा कोल बर्निंग कोल वुड स्मोल्ड्रिंग पेपर एंड कुकिंग गैस और ऑक्सीजन में क्या है एयर है हीट लाइटेड स्टिक बर्निंग एंड कोल इससे हमें क्या होती है गर्मी पैदा होती नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल एंड पुट आउट उसको हम तीन तरीके बताने हैं कि जिससे हम फायर को क्या कर सकें कंट्रोल कर सकें या उसको बुझा सकें तो वो कौन से तीन तरीके हैं फायर कैन बी पुट आउट बाय टेकिंग अवे द फ्यूल अगर कोई फ्यूल है कोई चीज़ जलने वाली चीज़ है तो उसको वहाँ से हटा दें एक तो ये तरीका है स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बंद कर दिया जाए ये दूसरा तरीका है एंड बाय लोवरिंग डाउन द टेम्परेचर अराउंड द फ्यूल और जहाँ पर कोई आग, फ्यूल पड़ा जिसमें आग लग सकती है वहाँ से हम टेम्परेचर को कम कर दें उसके फ्लैश पॉइंट्स को नीचे ले आए तो सो दैट द फ्यूल इज नॉट एबल टू अटेंड इट्स फ्लैश पॉइंट तो वो फ्लैश पॉइंट पे नहीं पहुंचाए पहुँच पाएगा और जब फ्लैश पॉइंट पे नहीं होगा उस फ्लैश पॉइंट से कम होगा जहाँ पर उसका आग जलती है तो वो क्या हो जाएगी आग बुझ जाएगी तो ये तीन तरीके हैं कि अगर कोई फ्यूल है तो उसको हटा दें ऑक्सीजन की कमी कर दें और टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आए तो ये तीनों तरीके आप करेंगे तो आग बुझ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ये आपके कॉलम ए एंड बी है ये क्वेश्चन हैं और ये इसका सोल्यूशन है तो इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई डज़ द बर्निंग कैंडल गो आउट वैन यू ब्लो ऑन इट जब हम क्या करते हैं कि जलती हुई कैंडल पे फूक मारते हैं तो बुझ जाते हैं तो क्या कारण है उसका अब बर्निंग कैंडल गोज आउट वैन यू ब्लो ऑन इट बिकॉज वैन वी ब्लो एयर वी रिमूव द हॉट ईयर अराउंड द फ्लेम एंड बर्निंग कैंडल इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट ये जब इसका जब हम वहाँ पे फूक मारते हैं तो वो क्या हो जाती है वहाँ की जो ईयर होती है उसके चारों तरफ की या जो उसका टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है और वो कैंडल क्या हो जाती है बुझ जाती है स्प्रेंग वाटर इज नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर व्हाई नॉट स्प्रेइंग वाटर इज नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर ऑन और एन इलेक्ट्रिकल फायर दिस इज द बिकॉज इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन एंड ऑयल फायर ऑयल फायर ऑयल विल कम ऑन द टॉप ऑफ लेयर ऑफ वॉटर एंड विल स्टिल बोन अगर हम उसमें पानी डालते हैं ऑयल फायर में तो क्या हो जाता है ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है और वो जहाँ जहाँ वो पानी फैलता जाएगा तो वो आग भी बढ़ती जाएगी और फैलती जाएगी एज वाटर फ्लोज क्विकली और बहुत जल्दी से फैलेगा ये इट कैन टेक ऑयल with it and thus increase thus increase the area where the fire can spread if water is sprayed on an electrical fire the person might get an electrical shock and get killed और अगर हमने बिजली की आग में भी क्या करा पानी डाला तो उससे क्या होगा हमें एक इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा और मर जाएंगे तो ये काम भी नहीं करना है तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल फायर या ऑयल फायर में हमें उसको पानी डालकर नहीं बुझाना है यह आपको ध्यान रखना है वाट आर समिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल इन ऑर्डर टू प्रीवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डून ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस मस्ट बी कैप्ट Far from the flammable things like furniture etc. Turn off the gas supply of the stove stove after use या gas तो so स्टूडेंट ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा Student इसको अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा ओके स्टूडेंट बाय बाय टेक केयर